नमस्कार सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। एक बड़ी अपडेट सिरसा डेरे से निकल कर के आ रही है क्योंकि गुरमीत राम रहीम सिरसा डेरा के प्रमुख बाबा, उनको 40 दिन की पैरोल मिल गई और पैरोल मिलने का असर जो इस बार आदमपुर उपचुनाव के ऊपर कितना पड़ने वाला है इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे और आज जो है पूरी इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। आपको बता देते हैं कि आदमपुर उपचुनाव के मद्देनजर जो है गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिलने वाली है। हालांकि उनके परिवार ने अर्जी पहले ही लगा दी थी लेकिन अर्जी लगाने के बाद भी गुरमीत राम रहीम को जो है पैरोल नहीं मिली थी। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब आप लोग देख सकते हैं आदमपुर उपचुनाव के मद्देनजर बिल्कुल चुनावी माहौल के बीच जो है गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिल गई है। और बाबा की अगर बात की जाए तो बाबा कई सारे केसेस के अंदर जेल के अंदर बंद है। हालांकि अभी की बात की जाए तो अभी बाबा सुनारिया जेल के अंदर जो है बंद है। इसके अलावा बात कर ली जाए बाबा राम रहीम की तो बाबा राम रहीम के ऊपर साध्वी के साथ रेप का पत्रकार छत्रपति और रणजीत सिंह की हत्या की सजा काट रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए गुरमीत राम रहीम की तो आपको बता देती हूँ गुरमीत राम रहीम जो है हर बार चुनावी माहौल के अंदर ही जेल से बाहर आते हैं। अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल तो मिल गई है लेकिन अब बड़ी बात ये है कि गुरमीत राम रहीम आखिरकार रहेंगे कहाँ। तो आपको बता देते हैं दो जगह जो है लगातार गुरमीत राम रहीम के जाने की बात हो रही है जिसके अंदर से एक सबसे बड़ी जगह जो है सिरसा डेरे की हो रही है कि सिरसा डेरे के अंदर गुरमीत राम रहीम खुद जाना चाहते हैं और हनीप्रीत भी चाहती है कि सिरसा डेरे के अंदर गुरमीत राम रहीम इस बार आए लेकिन अभी तक जो है तय नहीं हो पाया है कि गुरमीत राम रहीम कौन से डेरे के अंदर जाएंगे। इसके अलावा बात की जाए गुरमीत राम रहीम की पैरोल की तो आपको बता देती हूँ कि तीसरी बार इस बार गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है। हालांकि पहले जो है 21 दिन की फरवरी के अंदर पैरोल दी गई थी, जून में 30 दिन की दी गई थी और इस साल दिसंबर में जो है रेप के और हत्या के दोषी बाबा राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल जो है एक बार फिर से दे दी गई है। हालांकि अगर बात की जाए जेल मंत्री रणजीत चौटाला की तो आपको बता देते हैं उनका भी साफ तौर के ऊपर कहना है कि
अभी जो है गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाएगा कि गुरमीत राम रहीम कहाँ पर जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए गुरमीत राम रहीम की तो गुरमीत राम रहीम जो है वो अभी जग तक जो है सिरसा डेरे के अंदर ही जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वही अगर बात कर ली जाए कुछ अटकलों की तो अटकलें ये तक भी लग रही है कि गुरमीत राम रहीम जो है इस बार आदमपुर उपचुनाव के अंदर सेंध लगाने के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं। प्रदेश में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत उपचुनाव के माहौल के बीच जो है डेरा सोचा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम जो है जेल से बाहर आने वाले हैं। हालांकि बात की जाए गुरमीत राम रहीम की तो फरवरी से अब तक के 8 महीने में तीसरी बार जेल से बाहर आ सकते हैं और आ चुके हैं, क्योंकि अभी जो है 40 दिन की पैरोल मिल चुकी है। दिवाली पर उनके पैरोल की अर्जी दी गई थी, वहीं 2022 के खत्म होने के 82 दिन शेष है और इसमें से 40 दिन गुरमीत राम रहीम जो है बाहर रह सकते हैं। वो फरवरी में पंजाब चुनाव के दौरान 21 दिन की फरलो और जून में 1 महीने की पैरोल पर बाहर आए थे। जेल मंत्री रंजीत सिंह ने ये भी बताया है कि श्याम जी पोटैटो चिप्स वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप।